रुपया ना अकाउंट में पेटालोग नो अभ्यास करीशु। चलो पेटालोग में आपणे अमुक दाखला गणेला, हवे एनाथी आगळ जईए। चौबीस चार सौ एसी
चलो अब तीसरा व्यवहार निशान ट्रेनिंग कंपनी 100 मीटर का दी 50 मीटर 100 मीटर में 40 समय 200 ना भावे बेचिया नाना चेक्टी तरह तरह चुप भी नहीं नाना चुप भी नहीं जाने रोपर व्यवहार से अपने आगे पर सीखवा नहीं कुछ फेटा व्यवहार रोपर व्यवहार ही नौ दफाए नहीं इले आ व्यवहार हमारा खास है नहीं इले 15 की तारीख में व्यवहार हमारा नहीं आ 20 की तारीख एक भी ये प्रति स्टोर से 40 मीटर खाती 60 मीटर सूत्रों का पढ़ने 100 मीटर रेशम कापड़ ऊपर वाला ऑर्डर आप है मात्र ऑर्डर आप है फॉक का ऑर्डर आप है मात्र ऑर्डर आप है बिना नहीं बनवा के भाई बिना नहीं करवा हुआ थी नौ तो ताई नहीं लानी पर नौ तो नहीं लाते अब 22 मीटर ले प्रति स्टोर से एना ऑर्डर मुझे माल मुकली आप है नहीं यार बहुत प्रति स्टोर खाते हैं ना ऑर्डर जो नंबर आपने मोकले हो बिल नंबर 148 चलो એમાં શું હતું 40 મીટર ખાધી હતી મીટર દીઠ 30 રૂપિયાનો ભાવ એટલે 40 ગુણ્યા 30 1200 10% વેપારી બતાવો કાપીના બિલ 120 આ કપાઈ જશે ખાધીમાં આવશે 1080 चलो पची 60 मीटर सूत्र कापड 50 ना भावे 60 गुणिया 50 3000 3000 में 10% निकली जैसे ये 27 बराबर चलो पची 100 मीटर रेशम 220 ना भावे 100 गुणिया 220 100 गुणिया 220 એટલે 22000 22000 માં 10% એટલે 2200 નીકળી જશે 22000 માંથી 2200 નીકળી જાય એટલે આવશે 19800 હવે આનું મારવાનું ટોટલ ₹23580 ચાલો હવે આગળ આગળનો વ્યવહાર દેસાઈએ કંપનીએ 15000 નો સૂત્રો કાપડ 10% વેપારી બનાવે છે બિલ નંબર 129 ને 26 દેસાઈ કંપની ખાતે બિલ નંબર 129 15000 નો કાપડ 10% વેપારી બનાવે બાદ કરવાનો ને 1500 નીકળી જશે સૂત્રો કાપડમાં આવશે 13500 બરાબર ચાલો टोटल आवश्यक 13500 अब आप डीसीएम स्टोर्स ने 20000 ने खाली 5% व्यापारी बता रहे 13% मूल्य वृद्धि चला गया बिल नंबर 130 मूल्य आ गया मी 30 डीसीएम डीसीएम स्टोर्स खाते चला यहां जो बिल नंबर 130 खाली खाली जा भी सकते हैं 20000 ने खाली 5% व्यापारी को निकली जाए 20000 ના 5% એટલે 1000 રૂપિયા ઓછા થઈ જાય એટલે ખાતીમાં લખવાના 19000 મૂલ્ય વૃદ્ધિ નું ખાતું બનાવ્યું નથી એટલે એને રકમ લખવાની નહીં ચલો હવે મારી એક ટોટલ ચલો મારો ટોટલ पहला सूत्र हमारी ₹30600 सूत्र टोटल खादी में 23680 खादी रेशम 42480 रेशम 42480
ने टोटल आवश्य बाकी लेक्चर में।